Hello everyone, welcome to Peckens.com. Today I'm going to teach you IELTS writing tip number 4, linking devices. अच्छा, जब आपने दो dependent clauses को, ये सब आपको basic English course के अंदर available है, दो dependent clauses को join करना होता है, तो आप उसको conjunctions के साथ कर सकते हैं, आप उसको linking devices के साथ कर सकते हैं, या फिर आप उसको semicolon के साथ कर सकते हैं. अब हमारे जो essays हैं, वो इतने simple क्यों होते हैं? जब हम ऐसे लिखते हैं, चाहे आपकी ग्रामर बहुत भी अच्छी हो, हम जब लिखते हैं उसको, तो हमारे एसेज इतने सिंपल क्यों होते हैं? जब हम कोई आर्टिकल पढ़ते हैं, अखबार पढ़ते हैं, तो वहाँ पे वो हमें क्यों अच्छे लगते हैं? उसकी वजह ये होती है, हम हमेशा कंजंक्शंस को यूज़ करते हैं दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए. अब ये वर्ड है एंड, एंड का मतलब है और, ये और ये. अब एंड के बजाय आप बहुत आसानी से, यू कैन ईजिली यूज़ फर्दरमोर, मगर इसको कोई भी यूज नहीं कर सकता. क्यों? फर्दरमोर आप कह रहे हैं कि आई वेंट टू स्कूल एंड आई कंप्लीटेड माय वर्क. आई वेंट टू स्कूल, फर्दरमोर आई कंप्लीटेड माय वर्क. तो आप जो इसको यूज कर रहे हैं एंड की बजाय आसानी से यूज कर सकते हैं, इससे आपका जो सेंटेंस है वो बहुत अच्छा लगेगा. आप कह रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, इसके बजाय आप कह सकते हैं फॉर इंस्टेंस. अब इसकी लिस्ट है तकरीबन 25 है, जो वर्ड्स आपको पहले से आते हैं उन्हीं के लिंकिंग डिवाइसेस मैंने प्रोवाइड किए हैं इस कोर्स के अंदर. फ्री ऑनलाइन वीडियोस के अंदर आपको ये मिल जाएगा, इसका लिंक भी नीचे होगा. और हम इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे बार बार. अगर आप चाहते हैं मैं आपके एसेज चेक करूँ, प्लीज़ उसको सबमिट करें. एक लिंक दिया हुआ है, उसके ऊपर सबमिट करें, मैं आपका चेक करूंगा. इसको जब आप बार बार यूज़ करेंगे, उससे क्या होगा कि आपकी जो ऐसे राइटिंग है वो प्रोफेशनल के ऊपर आ जाएगी, जो आइट्स के लिए रिक्वायर्ड है. ओके?